हेलो एवरीवन। तो वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण का ये पार्ट टू है, जिसमें आज हम 16 से लेकर 13 तक, मतलब 15 वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण को पढ़ेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने 1 से 15 तक वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण को पढ़ा था, और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। जाके आप सर्च करेंगे एसटीआर क्लासेस, और लास्ट में हमने इस वीडियो के भी टेस्ट रखा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए रखा था, ताकि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, 16 है बोलोमीटर, क्या काम करता है? ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र बोलोमीटर। 17 है कैलिपर्स, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र कैलिपर्स। फिर है देखिए कैलोरी मीटर, क्या करता है? ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कैलोरी मीटर। कार्बोरेटर, अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण। कार्डियोग्राम, मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ, हृदय गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण। तो हृदय गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण कार्डियोग्राफ कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है कैथेटोमीटर, वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला उपकरण कैथेटोमीटर कहलाता है। फिर है कैथोड किरण नली, कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नली नुमा उपकरण क्या कहलाता है? कैथोड किरण नली। देखिए फिर है क्रोनोमीटर, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। क्रोनोमीटर, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, नेम क्रोनोमीटर। फिर है कम्यूटेटर, क्या करता है? विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण कम्यूटेटर कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कंपास बॉक्स, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र कंपास बॉक्स। देखिए नेक्स्ट है कुलिज नली, कुलिज ट्यूब, एक्स किरणों का उत्पाद करने में प्रयुक्त नली नुमा उपकरण। तो एक्स किरणों का उत्पाद करने में प्रयुक्त नली नुमा उपकरण कुलिज नली, कुलिज ट्यूब कहलाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना कि क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। देखिए नेक्स्ट है क्रायोमीटर, 0 डिग्री एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी क्रायोमीटर कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, सिनेमाटोग्राफ कहलाता है वो उपकरण जो ऐसा करता है। देखिए लास्ट है साइक्लोट्रॉन, अधिक आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र। तो ये थे आज 15 वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र। आइए अब हम टेस्ट को करते हैं, और टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। तो यह है आपका टेस्ट, और आपको इसमें करना है सही मिलान। तो देखिए पहला क्या है, पहला है आपका क्रोनोमीटर, इसका सही मिलान क्या होगा सोचिए। इसका सही मिलान होगा जहाजों में सही समय जानने में। फिर देखिए सेकंड है आपका क्रेस्कोग्राफ, और बताइए इसका सही मिलान कौन सा होगा, पौधों की वृद्धि। फिर है आपका कम्यूटेटर का क्या होगा, विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने में। क्लियर, वो रह गया लिखने से,
तो आप याद रखना विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने में जो उपकरण यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। अब देखिए फोर्थ है साइक्लोट्रॉन, तो इसका सही मिलान क्या होगा, आवेशित कणों को त्वरित करने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए लास्ट है कैलोरीमीटर, तो उसका देगी बचा है क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा मापने में। तो ये थी आज की वीडियो, आज हमने 16 से लेकर 13 तक वैज्ञानिक उपकरण और यंत्र को देखा और उनके क्या प्रयोग होते हैं ये हमने सीखा और लास्ट में हमने टेस्ट को करा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।